फिर ये वो लोग हैं कि बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह सोते हैं और ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जब तुम्हारे हमअसर हमारे महबूब हैं इनमें अल्लाह ने तुम्हें इतना मुनफरिद मकाम क्यों अता फरमाया? या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं, आप इरशाद फरमाइए कि मेरे हम असर और ये कराम में अल्लाह ने मुझे ये खास मकाम क्यों अता फरमाया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, तुम नेकों की खिदमत करते हो, तुम अपने दोस्तों को नसीहत करते हो, और फिर सिर्फ यही नहीं, तुम सुन्नत पे अमल करते हो और अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हो और अपने दोस्तों के साथ उसने सलूक के साथ पेश आते हो। हजरत गिरामी अंदाजा फरमाएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज से ये पैगाम मिलता है कि जो लोग सुन्नत से मोहब्बत ही कर लें और अहले सुन्नत से मोहब्बत कर लें उनका ये आलम है, तो जो सुन्नत अपने पर वारिद कर लें उनका क्या आलम है। हज़रते गिरामी सुन्नत को अपने ऊपर वारिद कर लेना अपने जाहिर पर अपने बातिन पर, यही मोहब्बत की दलील है और यही असल है।